हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जैसे अम्ब्रेला फ्रॉक होता है छोटे बेबी का, तो उसकी कटिंग देखने वाले हैं। तो उसके लिए हमने ये कपड़ा लिया है। तो ये छोटे बेबी का हम अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग करते हैं। तो चलो हम कटिंग देखते हैं। यहाँ पे हमने इसको कपड़े को इस तरह से एक बार फोल्ड किया है। ये बंद बाजू है, यहाँ पे हम इस तरह से इसको यहाँ पे हमें फोल्ड करना है। जैसे ये डबल फोल्ड आएगा इस तरह से, जैसे हमने ये फोल्ड किया है, फोल्ड करने के बाद ये जो कोना है यहाँ से हम इस तरह से ये नाप लेंगे। ये 4 इंच पे हमें यहाँ मार्किंग करनी है। ये सीधा ये यहाँ पे इस तरह से ये राउंड शेप लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमें इसकी लंबाई नापनी है। तो लंबाई आती है हमारी 15 इंच। ये पूरी लंबाई है हमारी 15 इंच, तो यहाँ पे भी हम 15 इंच पे मार्किंग करेंगे। यहाँ से हम 15 इंच पे एक मार्किंग करते हैं। और यहाँ से इस तरह से हमने ये मार्किंग किया है, ये 15 इंच का। तो हम इसको पहले कट कर लेते हैं। इस तरह से हमने ये नीचे के साइड लंबाई लेके कट किया है। अब यहाँ पे हमें 1.5 इंच पे हमें गले का मार्किंग करना है और 4 इंच पे हमें शोल्डर का मार्किंग करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम 4 इंच ही लेंगे आर्म होल के लिए। यहाँ पे हमने ये मार्किंग किया है। यहाँ हम गले का मार्किंग करेंगे 2.5 इंच पे। यहाँ पे हम इस तरह से बॉक्स बनाते हैं। यहाँ हम 1/2 इंच या 1.25 इंच पे एक गोलाई का शेप देते हैं। और यहाँ पे भी हम गले का राउंड शेप देंगे। तो इसकी हम कटिंग करते हैं। जैसे पहले हम सीधा कट करना है इसको। सीधा कट करने के बाद ये जो आर्म होल का हमने शेप दिया है वो कट करेंगे। उसके बाद ये जो गले का शेप है बैक और फ्रंट साइड का हम सेम ही कट करेंगे। यहाँ पे हमें बीच में इसको एक साइड में कट करना है। यहाँ पे हमने ये गले की कटिंग की है, यहाँ आर्म होल की कटिंग की है। तो यहाँ पे हम यह इस तरह से कमर में थोड़ा सा राउंड शेप देंगे। फिटिंग के लिए हम यहाँ पे राउंड शेप देते हैं। इस तरह से हमने ये राउंड शेप दिया है। तो इसकी कटिंग हमारी ये इस तरह से आएगी। ये फ्रॉक की कटिंग हमारी इस तरह से आएगी। घेरा भी ज़्यादा आएगा और यहाँ पे जैसा गला आपको और डिप चाहिए तो आप गला और भी डिप कर सकते हैं। तो हमने ये अम्ब्रेला घेरा, जैसे ज़्यादा घेरा लेके इसकी हमने कटिंग की है। तो अब इसकी स्टिचिंग मैं आपको अगले वीडियो में दिखाती हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।